हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हेमा जोशी। हेमा जोशी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं एकदम टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी। ये दिखने में जितनी अच्छी है उतनी टेस्टी भी। इसके सारे इंग्रेडिएंट्स आपको आपके किचन में ही मिल जाएंगी। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखते हैं इस मज़ेदार रेसिपी को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैंने एक बाउल में एक कप बेसन, जो वज़न में 200 ग्राम बेसन है, आधा कप दही। दही ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, इससे रेसिपी का स्वाद अच्छा नहीं होगा। आधा स्पून नमक, स्वादानुसार आप डाल सकते हो। दो कटी हरी मिर्च और एक कप पानी डालकर मिक्स कर लें। बेसन के घोल को अच्छे से मिक्स करना है, जिससे कि गुठलियाँ ना बने। अब हम इसमें आधा कप पानी और ऐड कर लेंगे, फिर अच्छे से मिला लेना है। बेसन का घोल तैयार हो चुका है, अब मैं इसे एक साइड में रख लेती हूँ। इसके लिए मैंने लिए एक लौकी। मैंने इस तरह की लौकी ली है, आप किसी भी तरह की लौकी ले सकते हैं, पर लौकी ताजी या कच्ची होनी चाहिए। लौकी को अच्छे से छील लें, फिर पानी से अच्छे से वॉश कर लेना है। लौकी का पूरा छिलका अब निकाल लिया है, अब इसे अच्छे से धो लेते हैं। ये मैंने अच्छे से धो लिया है, अब इसे कट कर लेना है। अब लौकी को तीन या चार भाग में कट कर लेना है। अगर लौकी कच्ची है तो बीज ना निकालें, मुझे पसंद नहीं है तो मैं इसे निकाल रही हूँ। अगर लौकी पक्की है तो आप लौकी के बीज निकाल लें। इस तरह से हम सारे बीज निकाल लेंगे। अब लौकी को कर लेते हैं कद्दूकस। लौकी खाने के बहुत से फ़ायदे होते हैं, यह वज़न भी कम करता और इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक के गुण भी पाए जाते हैं। इस तरह से सारी लौकी कद्दूकस कर लें। अब गैस को ऑन करके कढ़ाई रख लेनी है, फिर दो स्पून ऑयल डालकर गरम कर लेना है। तेल गरम हो चुका, अब हम इसमें डालेंगे वन स्पून जीरा और थोड़ी सी हींग। थोड़े से पत्ते कड़ी पत्ते के डाल लेने हैं। अब हम इसमें डालेंगे कद्दूकस की हुई लौकी। लौकी को हम दो तीन मिनट पकाएंगे, जिससे कि लौकी सॉफ्ट हो जाएगी। दो तीन मिनट पकाने के बाद लौकी अब सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने बेसन का घोल तैयार करके रखा हुआ था, इसमें डाल लेना है। अब इसे लगातार चलाते हुए 5 मिनट तक पकाना है। फ्रेंड्स, अब हम इसे थोड़ा सा निकाल लेंगे, जिससे पता चले कि ये जमने लायक है कि नहीं, और इसे ठंडा होने के लिए एक साइड रख लेते हैं। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाने में थोड़ा टाइम तो लगता है, पर ये खाने में बहुत टेस्टी होता है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। अब ये थोड़ा ठंडा हो चुका, चेक कर लेते हैं ये जमने लायक बना कि नहीं। अभी ये जमने लायक नहीं हुआ है, प्लेट पर चिपक रही, तो हम इसे थोड़ा और पका लेते हैं। इसे बनाते समय गैस को मीडियम आंच पर रखें।
थोड़ा और पकाने के बाद फिर से चेक कर लेना है। इसे ठंडा होने के लिए रख लेते हैं साइड में। अब हम इसे फिर से देख लेते हैं ये जमने के लिए तैयार हो चुका कि नहीं। अब ये अच्छे से जमने के लिए तैयार हो चुका है। अब हम गैस को कर लेते हैं ऑफ और इसे जमाने के लिए रख लेते हैं। बर्फी जमने के लिए मैंने लिया है एक बटर पेपर। बटर पेपर में मैंने घी से ग्रीस कर लिया है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप प्लेट में भी जमा सकते हैं, पर ध्यान रहे पहले उसे ग्रीस कर लेना है। अब बटर पेपर के ऊपर लौकी का मिक्सर डालकर उसे सेट कर लेना है। फ्रेंड्स, इसे सेट होने के लिए 15-20 मिनट लगेंगे। बर्फी को ज़्यादा पतला नहीं रखना है क्योंकि इसकी सब्जी बनाते समय ये टूट भी सकती है। अब इसे 15-20 मिनट सेट होने के लिए साइड में रख लेते हैं। फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं ये सेट हो चुका कि नहीं। ये अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसे चाकू की हेल्प से कट कर लेते हैं। आपको जितने बड़े पीसेस चाहिए आप उस हिसाब से कट कर लें। इस तरह से सारे पीसेस कर लेने हैं। ये देखो कितना अच्छा जमा हुआ है। अब ये सब्जी बनाने के लिए तैयार है। अब हम इसे सारे रख लेते हैं एक अलग प्लेट में। आप इसे ऐसे भी खा सकते हो। अब ये सब्जी बनने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं सब्जी का मसाला कैसे बनता है। इसके लिए मैंने 2 चम्मच ऑयल को गर्म किया है। गैस को मीडियम फ्लेम पर ही रखें। तेल गरम हो चुका, अब इसमें डाल लेंगे 1/2 चम्मच जीरा, 3 हरी मिर्च और थोड़ा सा हींग। अब हम इसमें डालेंगे 2 प्याज बारीक कटी हुई। प्याज को ब्राउन होने तक भून लेना है। दो मिनट प्याज भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 5-6 कलियां कटी हुई लहसुन। फिर इसे 2 मिनट और भून लेना है। प्याज अब ब्राउन हो चुका, अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा टमाटर पिसा हुआ। फिर इसे भी थोड़ा भून लेना है। 1 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें मिलाएंगे मसाले। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच नमक। इन सब मसालों को अच्छे से भून लें। मसाले अब अच्छे से भुन चुके हैं। अब हम इसमें मिलाएंगे 2 चम्मच दही। दही को मसालों में अच्छे से मिला लें। दही मसालों में अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप पानी और 1 उबाल आने पर पका लें। अब ग्रेवी में 1 उबाल आ चुका है। अब हम बेसन और लौकी से बने बर्फी के पीसेस को डाल लेंगे। फिर मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 1/2 कप पानी ऐड कर लेंगे और ढककर 5 मिनट तक पकाएंगे। 5 मिनट हो गए हैं, अब हम ढक्कन हटा लेते हैं। ये देखो फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर दिख रहा है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया।
आप इसमें कस्तूरी मेथी भी डाल सकते हैं। ये देखो फ्रेंड्स, हमारी लौकी की सब्जी बनकर तैयार है। आप इसे रोटी चावल किसी के साथ भी सर्व करें। अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।